إن لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا فقالوا يا رسول الله وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا وقالوا وفي نجدنا يا رسول الله اللهم بارك لنا في يمننا اللهم بارك لنا في شامنا وقال في الثالثة هناك الزلازل وتهيج الفتن وتتلع القرن وتتلع قرن الشيطان رواه البخاري मोहतरम बुजुर्गो नौजवान दोस्तों माए बहनों और मेरे छोटे भाइयों हर किस्म की हम्द सना उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लायक और ज़ेबा है जो हम तमाम का खालिक है मालिक है राज़िक है लाखों दुरूद सलाम हो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के आपको हादी पर हक बनाकर हम तमाम की तरफ मरबूस फरमाया सबने किराम गुज़िश्ता जुम्मा और पैवस्ता जुम्मा आप लोगों ने शेख अब्दुल कादर जीलानी रहिमहुल्लाह की तालीमात के सिलसिले में सुना था तो आज मैंने जिस उन्वान का इंतखाब किया है वो है सीरत मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह मैंने इस उन्वान का इंतखाब इसलिए किया है कि माह रबीउल आखर में जहां जहां शेख अब्दुल कादर जीलानी रहिमहुल्लाह के करामात बयान किए जाएंगे और आपकी जिंदगी के बारे में बयान किया जाएगा उस हर मजलिस में और हर जलसे में एक लफ्ज को बार बार दोहरा कर उन पर कोसा भी जाएगा और वो लफ्ज है वहाबी और वो लफ्ज है नजदी बार बार इस लफ्ज का तज़किरा किया जाएगा और उनको कोसा जाएगा और उन पर मरामत की जाएगी जाएगी इसी पस मंदर में मैंने मुनासिब समझा कि आपकी जिंदगी के ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने आ जाना चाहिए ताकि मालूम हो कि जो आज तक हम वहाबी वहाबी का लफ्ज सुनते आ रहे हैं या नजदी नजदी का लफ्ज सुनते आ रहे हैं इसकी हकीकत क्या है और वो कौन है
इंशाअल्लाह। तो ये हर दौर में 1400 साल में हर दौर में अल्लाह तबारक व तआला ऐसे उलमा को पैदा फरमाता रहा जो हक की जो इशारत करते रहे और बातिल को वो मिटाते रहे। अगर हम जायजा लेंगे तो जरा हम देखें कि सबसे पहली सदी किसकी थी जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं और खुलफा राशिदीन भी हैं और पूरे जो है सहाबा किराम की जिंदगी है। पूरी सदी में सहाबा किराम के अलावा किसी का हुक्म वहां पर नहीं चल रहा था। तो पहली सदी सहाबा किराम की सदी थी और दूसरी सदी इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह और इमाम मालिक रहिमहुल्लाह की सदी थी और तीसरी सदी इमाम शाफी रहिमहुल्लाह इमाम अहमद बिन हंबल रहिमहुल्लाह इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह अबू दाऊद तिर्मिजी और इब्ने माजा ये जो है इनकी तीसरी सदी थी। दोस्तों चौथी सदी हिजरी में जो उलमाए कराम आए इब्ने खुज़ैमा और इब्ने हिब्बान दारकुतनी नसाई ये चार उलमाए कराम पूरी चौथी सदी पर छाए हुए थे और पांचवी सदी में इमाम हाकिम आते हैं इमाम बायहक़ी आ रहे हैं और छठी सदी में इमाम ग़ज़ाली रहमहुल्लाह और शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमहुल्लाह की ये सदी थी जो मैंने इससे पहले ही खुतबे में आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की थी। और सातवीं सदी में इमाम राज़ी का दौर आता है आठवीं सदी में इब्ने तैमिया का दौर इब्ने क़य्यिम का दौर और इब्ने कसीर का दौर होता है और नौवीं सदी में इब्ने हजर जो बुखारी की सबसे बड़ी शरह लिखने वाले हैं बुखारी की तफसीर लिखने वाले वो इब्ने हजर की सदी थी। दसवीं सदी सहाबी जलालुद्दीन सियुती रहमहुल्लाह की सदी थी। ग्यारहवीं सदी अल्लामा जज़ाई की सदी थी। बारहवीं सदी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह और शाह वली उल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह और शेख हयात मोहम्मद हयात सिंह रहमहुल्लाह ये बारहवीं सदी के हैं और हम इंशाअल्लाह इसी बारहवीं सदी के इमाम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह की जिंदगी के बारे में बताने जाएंगे। तेरहवीं सदी अल्लामा शौकत रहमहुल्लाह की थी और चौदहवीं सदी बिन बास की सदी अल्बानी की सदी सालेह उसैमीन की सदी और सालेह उसाले फौजान की सदी थी। दोस्तों तो ये 1400 साल की ब्रीफ जो है तारीख आपके सामने रखना जरूरी है। हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो 12वीं सदी का तज़किरा करने जा रहे हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह के बारे में। आइए हम सबसे पहले जानें आपका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अत-तमीमी था। आपके कबीले का नाम अत-तमीमी था और आपकी पैदाइश 1115 हिजरी में होती है 12वीं सदी हिजरी सन 1115 सन हिजरी में जो है आपकी पैदाइश उरैना। आप सभी जानते हैं कि माशाल्लाह सऊदीया का जो हेडक्वार्टर है और सऊदीया का सदर मकाम है रियाद है। उस रियाद से मगरिबी जानिब 70 किलोमीटर के फासले पर ये उरैना शहर वाक़े है और उसी शहर में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह पैदा हो रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं 10 साल की उम्र को पहुंच रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आप जो है हाफिज़े कुरान बन रहे हैं। 10 साल की उम्र के आप हाफिज़े कुरान बन गए। दोस्तों जरा सुनते जाएं और अपने दिल को मेरे हवाले करते जाएं और गौर करते जाएं कि तारीख कैसे बदला रही है। आज का बच्चा हमारा 10 साल का होता है लेकिन नूरानी कायदा पूरा पढ़ने के लायक नहीं रहता है वो नाजरा पूरा पढ़ने के लायक हमारा बच्चा नहीं होता है लेकिन शेख मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह 10 साल की उम्र में सारा का सारा कुरान मजीद हिफ्ज कर रहे हैं और आपके वालिद साहब के पास इब्तदाई तालीम हासिल कर रहे हैं। आपके वालिद उस वक्त के सबसे बड़े फकीर यानी आलिम थे और काजी भी थे और आपके दादा भी अपने दौर के सबसे बड़े आलिम भी थे और काजी भी थे। बाप भी जो है बड़े आलिम और दादा भी बड़े आलिम है। जरा सा उम्र बड़ी हो जाने के बाद अपने वालिद से ख्वाहिश करते हैं अबू जान मैं तालीम हासिल करने और मकाम जाना चाहता हूँ। वैना में थे छोटी बस्ती थी वहां पर तालीम का ज्यादा जो है इंतजाम नहीं थे तो आपने कहा कि मैं तालीम हासिल करने जाना चाहता हूँ। चुनांचे आप जो है मक्का मुकर्रमा का रुख करते हैं वैना से मक्का मुकर्रमा आते हैं। सबसे पहले
تعلیم حاصل کرتے ہیں تعلیم سے فارغ ہو کر واپس لوٹ کر پھر عینا تشریف لاتے ہیں تعلیم سے فارغ ہو گئے پھر واپس لوٹ کر عینا تشریف لائے اب آپ سنی شعور کو پہنچ رہے ہیں ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے کون سا عمل سنت کے مطابق ہے اور کون سا عمل سنت کے خلاف ہے سبھی چیزیں آپ سمجھ رہے ہیں اسی دوران آپ جو ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں ابن قیم کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں یہ ساری کتابوں کو مطالعہ کر کے دیکھا اپنے معاشرے کو اپنی سوسائٹی کو دیکھا کہ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے سوسائٹی میں دیکھا کہ کوئی ابو طالب کی قبر بنا کر اس کے پاس مرادی مانگ رہا ہے کوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنا کر اس کے سامنے سجدے کر رہا ہے کوئی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر وہ سجدے کر رہا ہے کوئی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر جا کر مرادی مانگ رہا ہے کوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر بنا کر وہاں سجدے کر رہا ہے کوئی شیخ جیلانی رحمۃ اللہ کی قبر پر جا کر مرادی مانگ رہا ہے اور کوئی زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ مسلمہ بن کذاب جو جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو ان سے جہاد کرتے کرتے آپ شہید ہو گئے تھے زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر انہوں نے گنبد بنا رکھا تھا گنبد بنا رکھا تھا ان کا دعویٰ ہے کہ زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر ہے لیکن حقیقت میں ہے یا نہیں اس کا کوئی پتہ نہیں ایگزیکٹ وہ زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر ہے نہیں معلوم قبر بنائی گئی منسوخ کر دی گئی اور گنبد وہاں بنا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے وہاں پر بھی گنبد بنایا گیا تھا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مقام پر پیدا ہو رہے تھے کیا ہو چون ہوئے تھے اس مقام پر گنبدیں بنائی گئی تھی ایک درخت بھی تھا عینا کے آس پاس میں جو وہاں کے جاہل لوگ سمجھتے تھے کہ اس درخت کے پاس جاؤ تو اولاد نصیب ہونے والی ہے خواتین درخت کے پاس جاتے اور اسے نپٹتے اور نپٹ کر جو ہے اولاد کی دعائیں مانگتے تھے تو وہ جو ہے سارا کا سارا معاشرہ اس کنڈیشن میں کھڑا ہوا تھا جبکہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعلیم حاصل کر کے واپس لڑ کر آئے تھے اور دیکھا آپ نے کہ معاشرہ سارا کا سارا شرک اور بدعات میں اٹا ہوا ہے تو آپ نے لوگوں کو دھیرے دھیرے سمجھانا شروع کیا لوگوں کو دھیرے دھیرے قرآن مجید پڑھ کر سمجھانا شروع کیا اللہ کے رسول کی باتوں کو سمجھانا شروع کیا تو لوگ ان کی باتوں سے متفق ہوتے چلے گئے لوگ ان کی باتوں کو تسلیم کرتے چلے گئے یہاں تک کہ وہ عینا میں اسی طرح آپ کی دعوت آگے بڑھتی جا رہی تھی باپ ان کے بار بار روکتے تھے بیٹا ذرا دھیرے دھیرے کرنا جلد بازی نہیں کرنا بیٹا تم ایسا نہیں کرنا ایسا نہیں کرنا یعنی باپ کا ایک معنی میں بیٹے کو بڑا پریشر تھا دباؤ تھا تو خاموش خاموش ہلکے ہلکے انداز میں کرتے تھے لیکن جب باپ کا انتقال ہو گیا تو آپ نے اپنی دعوتی کام کو اور تیزی سے بڑھانا شروع کر دیا اور دن رات بس دعوتی کام میں لگ گئے یہاں تک کہ اس دوران یہ دیکھنے میں آیا کہ ایک خاتون ہاں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحم اللہ کے پاس آتی ہے آ کر کہتی کہ شیخ محترم میں نے بدکاری کی ہے میں نے برا عمل کیا ہے لہذا مجھ پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود نافذ کیے جائیں تو آپ نے مختلف اینگل سے اس کو جراح کرنے کی کوشش کی جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی آتا گناہ کا اقرار کرتا تو اس کو مختلف اینگل سے کوشچن کرتے جب گناہ کر رہے تھے تمہیں عقل تھی جب گناہ کر رہے تھے تمہیں سمجھ بوجھ تھی جب گناہ کر رہے تھے شعور کے ساتھ تم نے کیا یعنی مختلف انداز سے کوشچن کرنے کے بعد وہ گنہگار اقرار کرتا جاتا اور پھر اپنے اوپر حدود نافذ کرنے کا مطالبہ کرتا تب چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حد نافذ کرتے تھے تو ویسے آپ نے بھی اس عورت کو مختلف کوشچنز کیے اور اس عورت نے اصرار کیا کہ ہاں میں نے گناہ کیا ہے مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نافذ کیا جائے تو آپ نے اس کی خواہش کے مطابق آپ نے اس پر رجم کا حکم لگا دیا اور رجم کر دیا جیسے ہی اس خاتون کو رجم کیا گیا
उसके बाद से जो है यूं समझो उरैना में एक बहुत बड़ा जलजला आ जाता है, यानी हर जगह खलबली मच जाती है और हर जगह परेशान हो जाते हैं वो उमरा और वो बादशाह जो दुनियावी किस्म के थे या अय्याश किस्म के थे। उन्होंने देखा अगर ये हुक्म आगे बढ़ता जाए, रजम की जो है ये हुक्म अगर आगे बढ़ता जाए, हम में से फिर कोई नहीं बच पाएगा, इसलिए कि हम सारे के सारे गुनाहों के अंदर मुलव्वस हैं। और फिर बिदातियों को, खुराफातियों को और कब्र पर बैठकर जो है बैठने वाले मुजावरों को भी मौका मिला आपके खिलाफ आवाज उठाने का, आपके खिलाफ आवाज उठाने का मौका मिला। यहां तक के शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह का उएना में जीना दोहर कर दिया, परेशान कर दिया, हर जगह जुल्म सितम के पार टूटने लगे। तो आपने सोचा यहां पर अब मेरा काम और आगे नहीं बढ़ पाएगा, दावती काम और आगे बढ़ नहीं पाएगा। चुनांच आपने मकाम उएना छोड़कर दिरड़िया और एक आपके पड़ोस में और एक जो है शहर था, वहां जो है आप हिजरत करके चले जाते हैं। वहां का बादशाह, वहां के जो हुक्मरान थे वो मोहम्मद बिन सऊद थे। मोहम्मद बिन सऊद ने आपको वेलकम किया और आपका जो है वहां पर खुशामदीद के साथ इस्तकबाल किया और अपने पास आपको रखकर दावती काम करने की परमिशन दे दी और फिर कहा कि देखो आप जो है इल्म की तलवार बनकर काम करो और मैं ताकत की तलवार बनकर काम करूंगा। यानी एक इल्म का पावर और एक ताकत का पावर दोनों के दोनों आपस में जमा हो रहे हैं और दोनों भी आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं। वो हुक्मरान सऊद मोहम्मद बिन सऊद जो दरिया के थे, उन्होंने कहा कि देखो जब आप हमारे पास आए हैं तो छोड़कर वापस न जाना, हर हाल में हमारे साथ अपने वादे को निभाते रहना और हमें अकेला छोड़कर कहें और न जाना। यह पहली शर्त थी, पहली कंडीशन थी। और दूसरी कंडीशन मोहम्मद बिन सऊद जो वहां के हुक्मरान थे उन्होंने ये रखा कि हम टैक्स वसूल करते हैं लोगों से टैक्स लेते हैं, इस टैक्स लेने को आप नहीं रोकना। शरीयत कहती है कि टैक्स न लिया जाए, ज़कात लिया जाए। शरीयत कहती है टैक्स न लिया जाए, ज़कात लिया जाए, लिहाजा आप इस पर बात नहीं करना। टैक्स के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो शेख ने कहा हाँ, पहली कंडीशन तो मुझे मंजूर है कि मैं हर हाल में आपके साथ रहूंगा और आपके वादा निभाता रहूंगा। अलबत्ता दूसरी कंडीशन टैक्स के बारे में मैं दुआ करूंगा अल्लाह तबारक व तआला से कि आपको इतना माल देता है अल्लाह ताला कि आपको टैक्स लेने की कोई जरूरत महसूस नहीं होगी इंशाअल्लाह। ये एग्रीमेंट करके दोनों अपने दावती काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और जब ये दोनों के दोनों मिलकर केली के साथ काम कर रहे थे और ऐसे मौके पर देखा कि मिस्र वाले देख रहे हैं, तुर्क जो है देख रहे हैं और मगरिब देख रहा है कि ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मोहम्मद बिन सऊद के साथ मिलकर दिन ब दिन अपने काम को तेजी से फैलाना शुरू कर रहे हैं। तो वो डर गए और डर कर उन्होंने प्लानिंग बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले जो है तुर्कों को उभारा इनके खिलाफ, इसलिए कि तुर्कस्तान में सारा का सारा कब्रिस्तान भरा हुआ था, हर जगह कब्रें आम थी, यहां पर कब्रों को मिटाने की बातें हो रही है। तो उन्होंने देखा जब यहां की कब्रें मिटाई जाएंगी फिर हमारे पास भी कब्रें मिटाने की बारी आ जाएगी, लिहाजा ये बात आगे बढ़ने से पहले इसको दबा देना चाहिए। तुर्कों ने वहां पर जो है मशवरा किया, मिस्रियों ने भी देखा कि मिस्र में सारे के सारे चाहे वो फिरौन की कब्र हो या किसी दूसरे जो है अल्लाह वालों की कब्र हो, वहां पर जो कब्रिस्तान भरा हुआ था, उन्होंने भी इस तहरीक अपने खिलाफ समझा। ये दोनों के दोनों मिलकर प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले जो है आसपास के बादशाहों को वरखलाया और फिर उसके बाद जो है सूफी किस्म की मुल्लाओं को उभारा और फिर उसके बाद जो है मुजावरों को उभारा, उभार कर जो है इनके खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू कर दिए। और शेख रहीमुल्लाह ने देखा कि ऐसे ही मैं दावत देता रहूंगा तो जो है मैं जब तक रहूंगा ठीक है, लेकिन मेरे मरने के बाद भी दावती काम जारी वसार रहना चाहिए।
तो उन्होंने किरतास और कलम को उठा लिया, उन्होंने किताबें लिखने का जो है तहिया कर लिया। तो उन्होंने सबसे पहले जो किताब लिखी वो किताब तौहीद है दोस्तों, ये किताब तौहीद है जो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमहुल्ला सबसे पहली किताब आप लिख रहे हैं। किताब तो बिल्कुल मुख्तसर है, किताब मुख्तसर है लेकिन उसकी तशरीह इतनी जामे और इतनी बेहतरीन है कि किताब जो है जरा मोटी हो गई, वरना हकीकत में किताब तो इतनी मोटी नहीं बल मुख्तसर किताब है। उसकी तशरीह जो लिखी गई, तशरीह लिखने वाले कौन? शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमुल्लाह के पोते। क्या नाम उनका? पोते का नाम अब्दुर्रहमान बिन हसन आल शेख। अब्दुर्रहमान बिन हसन ये आपके पोते हैं। ये पोता अपने दादा के पास तालीम हासिल कर रहा है। ये 13 साल की उम्र के थे, ये भी 10 साल की उम्र में हाफिज बने और उसके बाद 3 साल तक अपने दादा से तालीम हासिल करते रहे। ये 13 साल के हो गए तो दादा के इंतकाल हो जाता है, तो दादा की किताब पर आपने तशरीह लिखी, इतनी मोटी आपने तशरीह लिखी। ये किताब तौहीद है दोस्तों। इस किताब तौहीद में क्या है? इस किताब तौहीद में क्या है? बस आप जरा जो है उन्वान देखते जाएं कि इस किताब में क्या है। पहले जो है इसमें 4 अबवाब तौहीद के बारे में, 4 चैप्टर तौहीद के बारे में है। उसके बाद 10 चैप्टर शिर्क की मजम्मत के बारे में है, शिर्क की मजम्मत के बारे में। 2 अबवाब शिफात के बारे में है, 5 अबवाब गुलू की मजम्मत। मैंने इससे पहले खुद में कहा था कि गुलू मत करो, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी की भी तालीमात है, आपने भी गुलू करने से मना किया। उसके 5 अबवाब आपने इसमें लिखे, 7 अबवाब जो रस्म रिवाज हमारे माशरे के अंदर फैले हुए हैं उसके बारे में लिखा, 6 अबवाब अकीदे के बारे में लिखा, 2 अबवाब इखलास के बारे में लिखा, फिर 17 अबवाब तौहीद की फजीलत में लिखा, 4 अबवाब तकदीर के बारे में लिखा और 7 अबवाब अल्लाह की अजमत के बारे में लिखा। तो गोया ये सारी की सारी पूरी किताब तौहीद और शिर्क और रुसूमात पर घेरी हुई है। इस किताब को जब मंजर आम पर आते हुए देखा तो और ज्यादा जो है माशरे के अंदर खलबली मच गई, माशरे खलबली मच गई दोस्तों। कुफर का और शैतान का ये हमेशा प्रोपेगंडा रहा है। जरा देखिए आप कि अल्लाह तबारक व तआला इनके मिजाज के बारे में हमें 1400 साल पहले बता चुका है, इनकी फितरत के बारे में 1400 साल पहले बता चुका है कि कुफर की फितरत कैसे होती है और शैतान की फितरत में जो है क्या होता है। आप हम जो है आपको बताना चाहेंगे दोस्तों। ये जो है अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लाह तआला क्या फरमा रहा है कि देखो जब भी तौहीद की बात होती है, तौहीद की बात को आम की जाती है, शिर्क को रोका जाता है, कब्र परस्ती से रोका जाता है, जब भी इस तरह की बात सामने आती है कुफर का शेवा शैतान का शेवा क्या होता है, अल्लाह तबारक व तआला ने 1400 साल पहले बता दिया। अल्लाह फरमाता है वइदा ذكرت ربك في القرآن وحده وَلُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 46 में अल्लाह फरमाता है कि जब तुम एक अल्लाह का तस्किरा करते हो, एक अल्लाह के बारे में बात करते हो, एक अल्लाह से मांगने की बात करते हो तो लोग पीठ फेर कर भागना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ने कहा जब तुम तौहीद की बात करते हो, एक अल्लाह की बात करते हो तो लोग पीठ फेर कर भाग जाएंगे, यह अल्लाह ने कुफ्र के बारे में कहा। और फिर अल्लाह ने क्या कहा? हाँ वहीदा दुखी रहा जब एक अल्लाह की बात होती है, तौहीद की बात होती है, जिनके दिलों में आखिरत का ईमान नहीं है उनके दिल ऐसे मरोड़ने शुरू हो जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, गालियां बकने लग जाते हैं। वहीदा और अल्लाह क्या कह रहा है जरा देखिए आप कि वइदा दुकिर अल्लदीन मिन दूनही इदा हुम यस्तबशिरून। जब तौहीद का तस्किरा होता है, जब तौहीद का तस्किरा होता है ये पीठ फेर कर भाग जाते हैं, इनके चेहरे बदल जाते हैं और गालियां बकने लग जाते हैं। और जब तस्किरतुल औलिया
ये औलिया का तस्करा किया जाता है, अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की बात की जाती है, मनगढ़ंत करामात का तस्करा किया जाता है, तो ये क्या करते हैं, इदाहुम यस्तबशिरून, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे गौस, इस तरह की बात करते हैं। अल्लाह ने 1400 साल पहले बता दिया है, जब मनगढ़ंत करामात का तस्करा किया जाए, मनगढ़ंत अल्लाह के अलावा दूसरों के बारे में बताया जाए, तो ये खुश हो जाते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये किताब तौहीद, जो इसकी तशरीह जो लिखी गई है, क्या कहते हैं उसको, फतहुल मजीद है इसका नाम, ये अरबी में, और इसका ट्रांसलेशन माशाल्लाह उर्दू में हो चुका है, इसका ट्रांसलेशन उर्दू में हो चुका है। इसका नाम है हिदायतुल मुस्तफीद, हिदायतुल मुस्तफीद इसका नाम है, और ये 2 जिल्दों में है, इतनी जामे तफसीर और इतनी जामे किताब है कि मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आज ही अगर मौका मिले तो किसी भी दुकान से इस किताब को खरीद लेना। तौहीद के बारे में आप किसी से बात करना चाहते हैं, तौहीद को आम करना चाहते हैं, तो हर घर में हिदायतुल मुस्तफीद, जो किताब तौहीद की तफसीर फतहुल मजीद का उर्दू ट्रांसलेशन है, इस किताब को हर घर में होना जरूरी है। मैं रेकमेंड करूंगा आप लोगों से कि इस किताब को जरूर खरीद कर रखें और इसका जरूर मुताला भी करें, माशाल्लाह। दोस्तों, जब ये तौहीद की बात आई इस किताब के अंदर, तो लोगों ने वावेल मचाना शुरू कर दिया, लोगों ने आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया, इल्जामात की भरमार शुरू हो गई। क्या इल्जामत लगा रहे हैं ये लोग कि ये नबी की तौकीर नहीं करते हैं, नबी के एहतराम नहीं करते हैं, और औलिया अल्लाह के करामत को तस्लीम ही नहीं करते हैं, औलिया अल्लाह के गुस्ताखी करते हैं, इस तरह की बातें फैलाना शुरू कर दी गई, इस तरह की बातें फैलाना शुरू कर दिए, और इस तरह की बातें फैलाने के लिए इन्होंने किताबों का सहारा लिया, किताबें लिखी, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमुल्लाह खिलाफ किताबें लिखी। जानते हैं आप कि मैंने एक एक किताबों को ढूंढने की कोशिश की, तो मैंने कितनी किताबें पाई, 63 किताबों को मैंने देखा, 63 किताबें जो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमुल्लाह खिलाफ लिखी गई। लेकिन मैंने जब उनका जो है सरसरी मुताला किया, जब मैंने उनको सरसरी तौर पर पढ़ने की कोशिश की, तो किताबें लिखने वाले कौन है, वो किताबें लिखने वाले या तो कुफार हैं, वो किताब लिखने वाले या तो शिया हैं, वो किताब लिखने वाले या तो सूफी हैं, वो किताब लिखने वाले या तो जाहिल हैं। इसी अंदाज के लोगों ने आपके खिलाफ किताब लिखी। और मजे की बात दोस्तों, ये जितनी भी बातें इनके खिलाफ लिख रहे हैं, जितनी किताबें इनके खिलाफ लिख रहे हैं, इस किताब में एक भी दलील ऐसी साबित नहीं कर पाए कि किताब में यह बात गलत है। इस किताब की एक आयत, इस किताब की एक हदीस, इस किताब का एक मसला भी वो निकाल कर साबित नहीं कर पाए कि ये मसला शरीयत के खिलाफ है, ये हदीस असल जो है शरीयत के खिलाफ है, ये बात शरीयत के खिलाफ है। कोई जो है इसके खिलाफ अंदर बात निकाल कर साबित नहीं कर सकता है। बस क्या कह रहे हैं, बस ये जो है क्या कहते हैं, ये करामत को नहीं मानते, औलिया को नहीं मानते, गुस्ताखे रसूल है, गुस्ताखे साहबा है, गुस्ताखे औलिया है, गुस्ताखे जो है कब्र है, बस इसी अंदाज की बातें सारी की सारी किताबों भरी हुई है। लेकिन किताब को निकाल कर कोई भी बात गलत साबित, कोई मायक लाल साबित नहीं कर पाया है। और दोस्तों, हाँ, ये इल्जामात बढ़ते गए, और इन इल्जामात लगाने वालों में कादरी साहब भी हैं, जिनका इल्जाम ये है कि शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमुल्लाह अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते हैं, ये उसका जो इल्जाम है। शेख मोहम्मद अब्दुल वहाब ये अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते हैं, ये इसका इल्जाम है, ये इसका दावा है। जरा पलट कर पूछे उन झूठे कज़्ज़ाब से, हाँ आपने देखा होगा कि कितने भी झूठे बोलता रहता है वो। हाँ, इससे पहले उसने ऐलान किया था कि ख्वाब में मेरे नबी आए, ख्वाब में मेरे पास नबी आए, और ख्वाब में मुझसे नबी ने कहा था, ताहिर तुम्हारी उम्र 63 साल की होगी, ताहिर तुम्हारी उम्र 63 साल की होगी। और जानते हैं आप, ये फरवरी आज क्या है, 21 है ना,
फरवरी की किस तारीख है? वो 63 साल कल 19 फरवरी को पूरे हो गए। तो उस अगर वो ख्वाब सच्चा होता, अगर ख्वाब में आकर नबी अगर कहे होते तो 63 साल जो है 19 फरवरी को पूरे हो गए तो मर जाना चाहिए था, लेकिन झूठा भी जिंदा है। तो इससे मालूम यह हो गया ख्वाब झूठा है। इससे पहले भी ख्वाब बयान किया था ना, ताहिर मेरे आने का किराया तेरे जिम्मे, मदीने से मैं जो है कराची आ रहा हूं तो मेरे रहने का किराया तेरे जिम्मे, मेरे खाने का किराया तेरे जिम्मे, मेरे आने जाने का किराया तेरे जिम्मे। ये सारे मनगढ़ंत जो है ख्वाब, पूरी शरीयत, पूरा दारमदार, पूरी किताबें ख्वाबों पर घूमती रहती। दोस्तों इसने इंजाम लगाया कि शेख जो है अहले बैत से नफरत करते हैं, उस नादान को ये भी नहीं मालूम, उस जय नादान को ये नहीं मालूम कि शेख जो है अहले बैत से कितना मोहब्बत करते थे। अरे ताहिर तू अपने बच्चों को तूने क्या नाम रखा है जरा देख ले। शेख ने एक बेटे का नाम अली रखा, शेख ने बेटे का नाम हसन रखा, शेख ने अपने बेटे का नाम हुसैन रखा, शेख ने बेटे का नाम फातिमा रखा, अली नाम रखा, हसन नाम रखा, हुसैन नाम रखा, फातिमा बेटे का नाम रखा। अगर अहले बैत से मोहब्बत ना होती तो क्या नाम रखते? अहले बैत से नफरत होती तो क्या अपनी बेटी का नाम फातिमा रखते? क्या बेटे का नाम अली हसन हुसैन रखते? नादान को नहीं मालूम, बस झूठ बोलना, पब्लिक को उल्लू बनाना जो उसका सेवा बनते जा रहा है। दोस्तों और अब देखते हैं कि तारीख में सबसे ज्यादा अगर मलामत की जाती है तो शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमहुल्लाह पर जो है ये मलामत करते रहते हैं। ये कहते हैं कि अरे ये वहाबी हैं, ये समझते हैं कि वहाबी बोलेंगे तो गुस्सा आएगा इनको, वहाबी बोलने से चिढ़ जाएंगे। वहाबी बतौर नफरत के ये इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन हम अपने मीठे भाइयों को सुनाना चाहेंगे तुम वहाबी बोलने से हमें गुस्सा नहीं आता खुशी होती है, हमें गुस्सा नहीं आता खुशी होती है, इसलिए कि तुम जिसकी तरफ मंसूब अपने आप को कर रहे हो, तुम जिनकी तरफ मंसूब अपने आप को कर रहे हो, अगर तुम कादरी कहते हो तो तुम उसकी तरफ निस्बत कर रहे हो जो 561 हिजरी में इंतकाल कर गए, और अगर तुम अपने आप को रिफाई कहते हो तो 578 में वो मंसूब करने वाले इराक में इंतकाल कर गए, और अगर तुम सैरवर्दी कहते हो तो 652 वो इंतकाल कर गए, और अगर तुम नक्शबंदी कहते हो समरकंद में 751 में वो इंतकाल कर गए, तुम चिश्ती कहते हो 1325 में हिंदुस्तान में इंतकाल कर गए, तुम जिसके तरफ मंसूब करते हो वो जो है 500 साल के बाद की पैदावार है, वो इंतकाल करके चले गए, तुम हमको वहाबी कहते हो, तो गोया वहाब अल्लाह का नाम है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। अल्लाह वाला क्या प्यारी बात है दोस्तों, ये इंसान मंसूब कर लेते हैं लेकिन हमको तो हमारी तौहीद को और पुख्ता बनाते हैं। वहाबी अल्लाह वाला, वहाबी अल्लाह वाला, हमें कोई गुस्सा नहीं आता, खुशी होती है कि हमारा ताल्लुक अल्लाह से हो रहा है और इनका ताल्लुक इराक वालों से, समरकंद से, निजामुद्दीन से और बखारा से, फला फला से नस्बत देते हैं, हमारा ताल्लुक अल्लाह ताला से। दोस्तों और एक लफ्ज आप देखते होंगे कि बार बार वर्ड दोहराते रहते, नजदी नजदी नजदी, इन बार बार दोहराते रहते हैं, क्या वजह है? ये हमको नजदी कहते हैं, क्या वजह है? दोस्तों वो एक हदीस लेकर आते हैं बुखारी की, गौर से सुने, याद रख कर जाएं, वो एक हदीस लाते हैं बुखारी की जिसमें क्या कहा गया है, वन अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु قال حضرت अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا اے اللہ تو ہمارے شام میں برکت نازل فرما ہمارے یمن میں برکت نازل فرما دعا کر رہے ہیں اللہ کا رسول نبی دعا کر رہے ہیں قالوا ان میں سے لوگوں نے کہا وفي نجد یا رسول اللہ اے اللہ کا رسول کیا آپ نجد کے بارے میں دعا نہیں کریں گے
क्या आप नष्ट के बारे में तबर्रुक यानी बरकत की दुआ नहीं करेंगे? फिर आपने उसी यमन पर और शाम की दुआ फरमाई। फिर लोगों ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या आप नजद के लिए बरकत की दुआ नहीं करेंगे? फिर आपने वही जो है शाम और यमन की बात फरमाई। फिर लोगों ने कहा, तो तीसरी मर्तबा अल्लाह के रसूल ने कहा, होने कै जलाजिल, वहां पर बहुत जलजले होने वाले हैं, वहां पर फितने फैलने वाले हैं, और वहीं से शैतान के सींग से जो है सूरज तुलू होता है, या शैतान का सींग वहीं से निकलता है। इस तरह की बात कही। इन्होंने कहा, देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि नजद में फितने होने वाले हैं, नजद में शैतान निकलता है, नजद में जलजले होने वाले हैं, लिहाजा ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजद के हैं, यही शैतान है, ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजद के हैं, यही फितना है, यही जो है बदमाश है। इस अंदाज की बात उन्होंने इस बुखारी की हदीस से निकाला। अच्छा, नजद का वर्ड उस जो है बुखारी में देखा तो उन्होंने उसका सहारा लेकर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहीमुल्लाह पर कोसना शुरू किया। इन नादानों को क्या पता, इन नादानों को क्या पता। जरा हम देखें, अल्लामा याकूत अल हमवी उन्होंने किताब लिखी मुअज्जमुल बुल्दान, जे ज्योग्राफी के एक्सपर्ट जो है, क्या कहते हैं उसको, आदमी है, ज्योग्राफी के एक्सपर्ट जो है, ये स्कॉलर है, उन्होंने किताब लिखी मुअज्जमुल बुल्दान। उस किताब के जिल नंबर 19, सफा नंबर 265, मुअज्जमुल बुल्दान जिल नंबर 19 और सफा नंबर 265 में अल्लामा ज़ुबैदी ताजुल उरूस शरह कामूस जिल नंबर 2-5 सफा नंबर 511 में ये दोनों बड़े स्कॉलर ये लिखते हैं कि पूरे अरब में 12 नजद हैं, पूरे अरब में 12 नजद हैं, और सारे नाम गिनाऊंगा तो टाइम हो जाएगा मेरा, तो मैं जो मशहूर हैं वो मैं गिनाऊंगा। नजदे इराक भी है, नजदे यमन भी है, नजदे हिजाज भी है। इराक भी नजद है, यमन के अंदर भी नजद है, हिजाज के अंदर भी नजद है, और इसी तरह जो है 9 और जो है नजद है। तो अल्लाह के रसूल ने नजद वालों के बारे में कहा कि वहां से जो है फितने होंगे, जलजले होंगे। तो इन 12 नजदों में से कौन सा नजद है जिसके बारे में नबी ने कहा, ये 12 नजदों में से कौन सा नजद है जिसके बारे में नबी ने बरकत की दुआ नहीं दी? आई हम पूछें कंजुल उम्माल से पूछें। ये लोग जब बुखारी में रफ़ने की बात आती है तो बुखारी को लाइट लेते हैं, कहां की बात करते हैं, कंजुल उम्माल में देखो वहां रफ़ेदन नहीं है, कंजुल उम्माल में देखो वहां नाफ के नीचे की बात लिखी हुई है, कंजुल उम्माल में देखो वहां आमीन ने कहने तस्किरा किया गया है। यानी जब रफ़ेदन की बात, आमीन की बात, हाथ बांधने की बात जब आती है तो बुखारी को अवॉइड करते हैं, कंजुल उम्माल की बात लेते हैं। तो आज हम उसी कंजुल उम्माल की बात करने जा रहे हैं। और दोस्तों जरा देखो आप के कंजुल उम्माल में क्या लिखा गया है। कंजुल उमाल जिल नंबर 14, याद रखें, कंजुल उमाल जिल नंबर 14 सफा नंबर 71 में भी है, और यही हदीस 77 में भी है। 71 में जो हदीस है वह हजरत उमर इब्न उमर रजी अल्लाह तआला की हदीस है, जो बुखारी में जो रिवायत है। उस हदीस में कंजुल उमाल में क्या बयान किया गया है, अल्लाह के रसूल दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना, अल्लाह तू शाम में यमन बरकत नाज़िल फरमा। एक बार कहा तो लोगों ने कहा, वो फिल इराक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल इराक के बारे में क्या दुआ नहीं करेंगे आप? आपने फिर वही दुआ फरमाई। फिर पूछा, अल्लाह के रसूल का इराक के बारे में दुआ नहीं करेंगे? आपने फिर उसका वेट किया। तीसरी मर्तबा अल्लाह के रसूल ने कहा, इराक में जलजले होंगे, इराक में फितने होंगे, इराक में जो है शैतान अपने सींग से तुलू होता है, कंजुल उमाल के अंदर नजद का तायुन किया जा रहा है। नजद 12 है, उन 12 नजदों में से कौन सा नजद ऐसा है जिसके बारे में नबी ने बरकत की दुआ नहीं की? वो कंजुल उमाल में वादे किया जा रहा है, वो इराक का नजद है जहां पर फितने पैदा होने वाले हैं। और तारीख भी
पूरी हिस्ट्री भी इस पर गवाह है। देखो आप तारीख का मुताला करो, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला के खिलाफ फितने इराक में सबसे पहले उठे, जंगे चमल इराक में हुई, जंगे सिफिन इराक में हुई, हजरत अली की शहादत इराक में हुई, खवारिज का फितना इराक में उठा, मुतजिला इराक में पैदा हुए, जहमिया इराक में पैदा हुए, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला की शहादत इराक में हुई, मुख्तार बिन अबू उबैद जो झूठा नबी होने का दावा किया वो भी इराक का था, शिया इराक के पैदावार है, और तातार की हलाकत खैजियां सारी की सारी इराक में हुई, बायत इराक की पैदावार, बाबियत इराक की पैदावार, या इराक सारा का सारा फितनों से भरा हुआ है। कंजुल उमाल की हदीस से पता चल रहा है कि वो नजद कौन सा है, वो इराक का है, वो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहीमुल्लाह का शहर नहीं है। और दोस्तों शेख मैं कंक्लूजन की तरफ आगे 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 बढ़ते जा रहा हूं, शेख अब्दुल कादर जीलानी रहीमुल्लाह पर तान तशनी करते हो, इनको काफिर करार देते हो, इनको फासिक करार देते हो, ये इनको बेखौफ करार देते हो, इनको बलिद करार देते हो, तो काश इस किताब को खोले होते, खोल कर बताए होते, देखो इस किताब की ये तालीमात शरीयत के खिलाफ है, ये बात शरीयत खिलाफ है, अगर ऐसी बात होती तो कुछ समझ में आती, अकलमंदों के जहनों में आती, लेकिन ऐसी बात कुछ नहीं है। दोस्तों ये किसके खिलाफ बात कर रहे हैं, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहीमहुल्लाह की बात क्या थी, वो क्या दर्द देना चाहते थे, जरा देखो दोस्तों वो क्या कहते हैं, वलस्तु वलिल्लाहिल हम्दु अदु इला मज़हबिन सूफियुन, अल्लाह का बड़ा करम है कि लोगो मैं किसी सूफी मजहब की तरफ तुमको नहीं बुला रहा हूं, और फकीर किसी फिका की तरफ मैं तुमको नहीं बुला रहा हूं, और मुतकल्लिबीन या किसी यूनान के फलसफे की तरफ नहीं बुला रहा हूं, और इमाम निर्णयमा या मैं किसी इमाम की दावत तुमको नहीं दे रहा हूं, हाँ बल्कि बल अदऊ मैं तुमको दावत दे रहा हूं, मैं तुमको बुला रहा हूं, इलाल्लाह अल्लाह की तरफ बुला रहा हूं, वहदहु या अकेला है, ला शरीक लहू इसका कोई शरीक नहीं है, बल उशिदु क्या कहते हैं, हाँ अल्लती औसा बिहा अव्वल उम्मतिहि व आखिरहुम, ये किताब अल्लाह की, ये किताब नबी की, इसी की तरफ बुलाने की वसीयत अल्लाह के रसूल ने सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को किया था, और इस उम्मत का आखिरी फर्ज जो भी रहेगा उसको भी यही वसीयत जो है की गई है। वारजू उम्मीद करता हूं, अन्नी ला रुद्दुल हक इदा तली, लगो अगर तुम मेरे पास कुरान की बात लेकर आओगे, अगर तुम मेरे पास हदीस की बात लेकर आओगे, वल्लाह मैं कभी इनकार करने वाला नहीं हूं, बलोशिदुल्लाह मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं, वल मलाइका सारे फरिश्तों को गवाह बनाकर इकरार करता हूं, सारे लोगों को गवाह बनाकर इकरार करता हूं, इन अताना मिनकुम कलिमतुम मिनल हक, अगर तुम्हारे पास से अल्लाह की बात मेरे पास आ जाए, कुरान की बात मेरे पास आ जाए, हदीस की बात मेरे पास आ जाए, लौ कबिलुहा अला रासि वल ऐन, वो हुक्म मेरे सर आंखों पर है, अगर कुरान की बात आए, अगर हदीस की बात आए, वो हुक्म मेरे सर आंखों पर है, और क्या कहते हैं, वल अज़रिबन अल जिदारा बिकुल्लि मा खालफहुमा मिन अक़वालिल अइमा, और अगर तुम लोगों याद रखो अल्लाह की बात को छोड़कर, नबी की बात को छोड़कर किसी इमाम की बात लेकर मेरे पास आते हो, वह इमाम की बात अल्लाह के किताब के खिलाफ जा रही है, वह इमाम की बात नबी के हदीस के खिलाफ जा रही है, उस बात को मैं दीवार पर मार दूंगा। आपने कहा तुम पेश करो मेरे सामने किताब अल्लाह को, पेश करो मेरे सामने किताब रसूल को, कबूल करने तैयार हूं, इसके खिलाफ में तुम कुछ भी बोलोगे मैं उसे तस्लीम करने वाला नहीं हूं। किसकी तालीमात हैं, इस शेख की तालीमात हैं, यही तालीमात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे।
जब अल्लाह के रसूल आकर किताब अल्लाह की बात सुनाना शुरू कर दिए, लोगों ने कहा अरे मोहम्मद तफरका पैदा करता है, मोहम्मद बाप बेटे में जुदाई पैदा करता है, मोहम्मद मियां बीवी में जुदाई पैदा करता है, मोहम्मद दीन का इनकार कर रहा है। इस तरह की बातें अल्लाह के रसूल के सामने की गई थी। नबी की ये तालीम जब ये बंदा लोगों के सामने पेश करता है, लोग भी यही आपके साथ जो है रवैया कर रहे हैं। दोस्तों आपकी आपके तालीमात का खुलासा चार बातों में लाया जा सकता है। इल्म हासिल करो, अमल करो, दावत दो, और इस पर जो तकलीफ आएंगे सबर करो। ये शेख की पूरी तालीमात का खुलासा चार लफ्जों में दोस्तों, इल्म हासिल करो, अमल करो, दावत दो, सबर करो, ये पूरी शेख की जो है तालीमात का खुलासा है। और अगर मैं बिल्कुल खुलासे के तौर पर अगर कहना चाहूं तो आपकी तालीमात की खुसूसियत क्या है। सबसे पहली खुसूसियत ये कि किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल को मजबूत थामना, शिर्क से बेजार हो जाना, दावत का आगाज मस्जिद से करना, किसी जो है सियासत के पार्टी से नहीं हो सकता है, किसी लीडर से नहीं हो सकता है, और दीन का काम मस्जिद से शुरू होना चाहिए। मौईद हसना आपका तरीका, एतदल आपका तरीका, किसी गिरोह की तरफ नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। इख्तलाफ जब हो जाता है तो रुजू किसकी तरफ होना? अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू होना, और अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर करना, सलफ का एहतराम करना, असलाफ का एहतराम करना, बंदों को बंदों की गुलामी से छुड़ाकर रब की गुलामी से जोड़ देना, और दुनियादारी और मनसब से दूर रहना। ये शेख की पूरी तालीमात का खुलासा है दोस्तों। यही वजह है कि शेख मोहम्मद बिन सऊद से आपका अग्रीमेंट हो गया, और दिन ब दिन हुकूमत बढ़ते जा रही है, मनासिब बढ़ते जा रहे, माल बेहिसाब आपके पास आते जा रहा है, लेकिन वल्लाह कभी आपने माल की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। अगर आप चाहते तो हुकूमतें बड़े बड़े मनसब ले सकते थे, लेकिन कोई मनसब आपने अपने लिए नहीं लिया, और अपनी औलाद को भी कोई मनसब लेने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि दूर रखा। यही वजह है कि देखो दोस्तों, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह जब इंतकाल कर रहे तो आपके बेटों में से कोई भी किसी मनसब पर नहीं था और किसी हुकूमत के दायरे पर नहीं था, दीन के काम में लगा हुआ था। शेख का इंतकाल कब होता है? हाँ, सन 1206 सन हिजरी में, 1200 सन 6 हिजरी में, और शव्वाल का आखिरी हफ्ता है, शव्वाल का आखिरी हफ्ता, पीर का दिन है। आप अल्लाह को प्यारे हो रहे, जब आप अल्लाह को प्यारे हो गए, हुकूमत इतना बड़ा जाए आपका रुतबा कि कोई खजाना आपके हुक्म के बगैर नहीं हिलता है, लेकिन जब इंतकाल कर जाते हैं तो बेटों के लिए, बेटियों के लिए एक दिरहम भी विरासत में छोड़कर नहीं गए दोस्तों, एक दिरहम भी अपने बच्चों के लिए विरासत में छोड़ने के लिए आप पास नहीं था। और अल्लाह के फजल करम से वही शेख मोहम्मद अब्दुल वहाब का वह तकवा और अल्लाह की जो अल्लाह वाले बनने की सिफत थी, आज भी उनके औलाद में कोई भी हुकूमती मनसब में जाना नहीं चाहता है। आप जो है कभी अखबार पढ़ेंगे और कभी सऊदी गवर्नमेंट के जो है नाम देखेंगे तो किसी नाम के साथ आले सऊद लिखा हुआ रहता है, आले सऊद लिखा हुआ रहता है। आज समझ जाना के आले सऊद का मतलब ये, इसका ताल्लुक उनसे है जो मोहम्मद बिन सऊद सबसे पहले हाकिम थे, उनसे इनका ताल्लुक है, उनसे वो नस्ल से है। और अगर आप किसी भी आलिम के सामने, किसी आदमी के सामने आले शेख लिखा हुआ रहता है, आले सऊद मोहम्मद बिन सऊद की नस्ल से पैदा होने वाले को कहते हैं। आले शेख किसको कहते हैं? जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहिमुल्लाह के नस्ल से जो आते हैं उसको आले शेख कहते हैं। और यही आपका दरस था दोस्तों कि हम किसी गिरोह की तरफ दावत देने वाले नहीं, हम किसी मजहब की दावत देने वाले नहीं, हम किसी शहर की दावत देने वाले नहीं, हम अगर बात करते तो मदीने वाले की बात करते हैं, और अगर हम बात सुनाते नबी वाले मदीने वाले की बात सुनाते हैं, हमारे दिल मदीने वालों के साथ है, हमारे दिल इराक वालों के साथ नहीं है। हमारा अग्रीमेंट और हमारा जो है क्या कहते हैं, दीन पर अमल करने का सारा अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर अग्रीमेंट हो चुका है दोस्तों। बस यही हमारा जीना है, बस यही हमारा मरना है। हम अल्लाह से दुआ करने जा रहे हैं, बारी ताला तू जब तक जिंदा रखे
तेरी बात पर अमल करने वाला बना के रखना, तेरे नबी की सुन्नत पर अमल करने वाला बना के रखना। दुनिया चाहे हमारे खिलाफ कुछ भी कहे, दुनिया चाहे जो इल्जाम देती रहे, दुनिया जो चाहे कहती रहे, बारी ताला तू अगर हमारे आमाल से खुश है तो हम तेरे हैं, तेरे लिए कुर्बान तैयार है। बारी ताला, बारी ताला अगर कोई हमारे पास आता है और आकर हमारी गलती को निशानदेही करता है, हमारे अंदर पाए जाने वाली बुराई को कुरान और हदीस से साबित करता है, तो बारी ताला सुबह का सूरज बाद में तुलू करना और पहले हम तबा करने का वादा करते हैं। बारी ताला गलती हमारी साबित हो जाए, गलती हमारे कुरान हदीस में बतलाई जाए, बारी ताला सुबह का सूरज तुलू होने से पहले हम अपनी गलती से बाज आने, गलती से तबा करने, रुजू करने का वादा करते हैं। वाखुर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه وذكروا الله تعالى علوا وعزوا همتم